दुनिया में बस हम दो हैं, दुनिया जिनकी दीवानी है। आ रहे हैं हम दोनों। दोस्तों नमस्कार, अवरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। क्या ज्यादा लोगों से हाथ मिलाने की वजह से किसी के हाथ से खून निकल सकता है? क्या भारत मेहनतकश मजदूर और किसानों के हाथ इतने सख्त होते हैं कि किसी से हाथ मिला ले सामने वाले के हाथ से खून निकल जाए? हाँ, ऐसा होता है, बशर्ते वह हाथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का हो, जिनके हाथ बेहद मुलायम थे। यह कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे सैम पित्रोदा कह रहे हैं। कांग्रेस नेता और राजीव गांधी के करीबी रहे सैम पित्रोदा एक वाक्या बता रहे हैं। पित्रोदा कहते हैं कि एक शाम मैं और मेरी पत्नी राजीव जी से मिलने गए, मैंने देखा कि उनके हाथ से खून बह रहा है। तब मैंने आश्चर्य से पूछा कि यह खून क्यों बह रहा है। इस पर राजीव गांधी ने कहा कि आज उन्होंने करीब 5000 लोगों से हाथ मिलाया है। यह सभी लोग या तो किसान थे या फिर मेहनतकश मजदूर थे। इनके हाथ इतने सख्त होते हैं कि खून निकल आया। कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के करीबी सैम पित्रोदा के एक खुलासे से हर कोई हैरान है। सैम पित्रोदा ने बुधवार को कहा कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हथेली से खून बहने लगा जब उन्होंने 5000 लोगों से हाथ मिलाया था। ज्यादातर खुरदुरी त्वचा वाले मजदूर वर्ग के लोग थे। यह टिप्पणी राहुल गांधी की 14 जनवरी को शुरू होने वाली आगामी भारत न्याय यात्रा, भारत छोड़ो यात्रा के दूसरा चरण के संदर्भ में आई है। यह टिप्पणी वायरल हो गई क्योंकि भाजपा नेताओं ने इसे गांधी परिवार की प्राचीन वस्तुओं का मजाक उड़ाने के लिए उठाया। सैम पित्रोदा ने कहा कि राजीव गांधी को भी जमीनी स्तर पर लोगों से मिलने की उत्सुकता थी। राजीव गांधी उनसे मिलकर हमेशा बहुत खुश होते थे क्योंकि पीएम बनने के बाद भी वह लोगों से मिलना अपनी जिम्मेदारी मानते थे। सैम पित्रोदा ने कहा कि हर जगह राजीव गांधी के लिए भारी भीड़ थी। हालांकि इसे लेकर कई यूजर्स ने कांग्रेस नेता को ट्रोल भी किया है। ट्रोलर्स इसे लेकर राजीव गांधी की आलोचना भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि राजीव गांधी किस स्तर के जमीनी नेता थे, यह इससे साबित होता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।